सो हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम सैमसंग गैलेक्सी S20 मोबाइल की फुल फीचर्स और रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस मोबाइल के रैम के बारे में जान लेते हैं। तो इस मोबाइल में आपको 8GB का रैम देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रैम है। अगर आप लोग कितनी भी अगर दामी अगर गेम खेलोगे, जैसे कि फ्री फायर, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, उसके बाद बहुत ही अगर गेरेना फ्री फायर, GTA 5, कितनी भी अगर दामी गेम खेलोगे, आपके मोबाइल को कुछ नहीं होगा। हैंग का कोई इशू नहीं आएगा, स्लो रेस्पॉन्स का भी नहीं आएगा, क्योंकि इतना बड़ा इसमें रैम आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 8GB, जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा है। साथ ही साथ आपको इस मोबाइल में स्टोरेज की बात करूँ, तो आपको अच्छा खासा इस मोबाइल में स्टोरेज देखने को मिलेगा, जो कि 128GB का आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा स्टोरेज है। अगर आपने मोबाइल में अगर ज़्यादा एप्लीकेशन रखते हो और अगर फ़ोटो वोटो भी रखते हो, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा फुल होने का, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग जितना चाहो फ़ोटो एप्लीकेशन रख सकते हो अनलिमिटेड, क्योंकि 128GB जो कि बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ कैमरा की बात करें, तो आपको 4 कैमरा देखने को मिलेगा इस मोबाइल में, जो कि बैक कैमरा होगा जो कि 4, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। 4 कैमरा होगा, जो कि एक फ्रंट कैमरा जो कि 10 मेगापिक्सल का, और 3 बैक कैमरा जो कि 64 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल का, जो कि बहुत ही अच्छा खासा आपको कैमरा देखने को मिलेगा इस मोबाइल में। यानी कि आप लोग को इस मोबाइल में बहुत ही अच्छा खासा इसमें कैमरा क्वालिटी भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप लोग को फ़ोटो वोटो भी लेना पसंद है, तो आप लोग इस मोबाइल से ले सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा आएगा इसका क्वालिटी। साथ ही साथ LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिलेगा, 4K आप लोग वीडियो भी शूट कर सकते हो इस मोबाइल से, और HDR प्रोसेस के साथ ही आपको मोबाइल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग का फ्रंट कैमरा की बात करें, तो आपको 10 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा कैमरा है। बहुत अच्छा से इसका क्लियरिटी बहुत है, बहुत अच्छा खासा इसमें फ़ोटो आप लोग कैप्चर कर सकते हो। लो लाइटिंग में भी बहुत अच्छा कैप्चर करके देता है ये मोबाइल, जो कि बहुत अच्छा है। कैमरा का मामला में ये बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अब इस मोबाइल की बैटरी के बारे में बात करें, तो बैटरी आपको 4000 mAh का इस मोबाइल में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा बैटरी है। लॉन्ग लास्टिंग है, नॉन रिमूवेबल है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा बैटरी है। 2 दिन आप लोग का नॉर्मल यूज़ चला जाएगा। 1 डे आप लोग अगर ज़्यादा अगर गेम वेम खेलते हो, तो आप लोग के साथ 1 दिन आराम से चला जाएगा। टाइप सी का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। टाइप सी जो कि अभी बहुत अच्छा से चल रहा है, जो कि बहुत ही ऊपर चल रहा है ट्रेंडिंग में। हर मोबाइल में आपको लोगों को टाइप सी का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा, इस मोबाइल में भी आपको टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इस मोबाइल की चार्ज की बात करें, कि ये कितना वाट से फास्ट चार्ज करता है, तो 25 वाट से ये फास्ट चार्ज करता है, जो कि बहुत ही फास्ट है। यानी कि स्लो चार्ज का आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा इस मोबाइल में, बहुत ही फास्ट है। साथ ही साथ ये 4G मोबाइल है, 2 SIM 1 SD कार्ड आप इसके अंदर में घुसा सकते हो, 1 TB तक, जो कि बहुत ज़्यादा है, 1 TB तक, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और साथ ही साथ इस मोबाइल की प्रोसेसर की बात करें, तो सैमसंग एक्साइनोस 990 का आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा प्रोसेसर है। अगर आप लोग गेम वेम भी खेलोगे, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा प्रोसेसर के मामले में, ये बहुत अच्छा प्रोसेसर है। साथ ही साथ अब इस मोबाइल की डिस्प्ले साइज़ की बात करें, तो 6.2 इंचेस का आपको डिस्प्ले साइज़ देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा खासा डिस्प्ले साइज़ है आपके मोबाइल फुल HD के साथ, जो कि बहुत अच्छा है। 120Hz का आपको रिफ्रेश रेट इस मोबाइल में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही फास्ट है। आप लोग को कोई स्लो रिस्पॉन्स का झमेला नहीं होगा इस मोबाइल में, कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि 120Hz जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप लोग गेम वेम भी खेलोगे, कितने भी अगर फास्ट अगर मूव करोगे, तो 120 जो कि हर्ज, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। साथ ही साथ स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें, तो गोरिल्ला ग्लास 6 आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा गोरिल्ला ग्लास है, जो कि आपके मोबाइल को फुल प्रोटेक्ट करेगा। गोरिल्ला ग्लास 6 जो कि आपके मोबाइल को फुल प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपका मोबाइल गलती से हाथ से गिर भी जाए, तो आपके मोबाइल को फुल प्रोटेक्ट करेगा डिस्प्ले को।
साथ ही साथ अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा कि नहीं। तो इस मोबाइल में आपको फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा इसका पोजीशन है, जो कि अंडर डिस्प्ले हुआ यानी कि स्क्रीन के अंडर ऑन स्क्रीन, जो कि बहुत ही अच्छा है। जस्ट अपने हाथ से ऐसा दबाया और खुल गया, जो कि बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स है। जो कि इसमें कुछ सेंसर खराब होने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि बैक और साइड में क्या होता है कितना बार कि सेंसर फिंगरप्रिंट सेंसर ख़राब हो जाता है, पर ये अंडर डिस्प्ले वाले में आपको कोई ऐसा झमेला नहीं आएगा, क्योंकि अंडर डिस्प्ले आपका फुल प्रोटेक्ट के साथ रहेगा। फिंगरप्रिंट का मामला में ये बहुत अच्छा है, क्विक रेस्पॉन्स करता है। साथ ही साथ इसमें आपको ड्यूल स्पीकर देखने को मिलेगा, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों साइड से ही साउंड आएगा, जो कि बहुत लाउड है, जो कि बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इस मोबाइल की हम एंड्रॉयड के बारे में बात कर ले तो एंड्रॉयड आपको 10 वर्जन का देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा एंड्रॉयड है। इस मोबाइल के वेट की बात करें, यानी कि ये मोबाइल कितना भारी है, तो 163 ग्राम का, जो कि बहुत ही हल्का मोबाइल है। और थिकनेस की बात करें तो 7.9 mm का, यानी कि पतला मोबाइल है, जो कि आपको लुक भी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इस मोबाइल की हाइट के बारे में बात करें तो 151.7 mm का देखने को मिलेगा, जो कि मोबाइल बहुत ही अच्छा खासा इसका हाइट है। इस मोबाइल की चौड़ाई की बात करें, यानी कि विड्थ की, तो वो भी आपको 79.1 mm का देखने को मिलेगा, यानी कि मोबाइल पतला है, लंबा है। आप अगर मोबाइल को अपने हाथ में लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, फुल कंफर्टेबल फील होगा। साथ ही साथ मोबाइल में आपको 4 कलर देखने को मिलेगा, जो कि ग्रे, ब्लू, पिंक, वाइट, जो कि बहुत ही अच्छा अच्छा कलर आप लोग को अवेलेबल है, जो कि बहुत अच्छा कलर है। उसके बाद इस मोबाइल की प्राइस के बारे में बात कर ले तो इस मोबाइल में आपको प्राइस अलग अलग देखने को मिलेगा, जैसे कि 49,000 का भी देखने को मिलेगा, 52,000 का भी देखने को मिलेगा, 74,000 का भी देखने को मिलेगा, पर फीचर्स एक ही रहेगा, सिर्फ इसका कलर में अंतर होगा, इसलिए इसका प्राइस इतना बढ़ जाएगा। तो अगर आप लोग चाहो तो ब्लू कलर में ले सकते हो, उसका प्राइस कम है, जो कि 49,000, जो कि बहुत ही अच्छा है और इसका लुक भी अच्छा खासा है। अब हम बात कर देते हैं कि आप लोग को बॉक्स के अंदर में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो बॉक्स में आपको सबसे पहले तो एक मोबाइल दे दिया जाएगा, जो कि सैमसंग गैलेक्सी S20। एक ट्रांसपेरेंट कवर दे दिया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा ट्रांसपेरेंट कवर है। एक चार्जर दे दिया जाएगा, जो कि बहुत ही फास्ट चार्ज करता है। एक पिन दे दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप अपना सिम और SD कार्ड को निकाल या तो घुसा सकते हो। और एक आपको चार्जर और टाइप सी का डाटा केबल दे दिया जाएगा। और एक वारंटी कार्ड दे दिया जाएगा, जो कि 1 ईयर का वारंटी कार्ड होगा, जो कि बहुत ही अच्छा है वारंटी कार्ड भी। और यही सब है इस मोबाइल का फीचर्स, फैसिलिटी और फुल रिव्यू। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग को कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। अगर आप लोग को कुछ भी वीडियो अगर नेक्स्ट में कुछ चाहिए, कुछ वीडियो की अनबॉक्सिंग या रिव्यू, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द लेके आऊँगा। जाने से पहले मैं आपको एक बात बोल दूं कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोग को ये मोबाइल लेना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया, आप लोग उधर से भी ले सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।